रुक जा भाई, कुछ लोग आगे जा रहे ये होती है भाई कीड़ा जड़ी, ये होती है कीड़ा जड़ी। देख इसमें पानी डालने अभी, और आज रात भाई यही पे सोना है। जय श्री राम दोस्तों, जय भोले शंकर। तो गाइस हम लोग भाई कल रात को इस गुफा में हम लोग सोए थे, तो देख सकते हो भाई गुफा किस प्रकार के है। तो अभी 6 बजे हैं, हम लोग भाई उठ चुके हैं और लौंडे वोडे देखो भाई अभी अभी उठ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सोन भाई। और सुबह सुबह उठ करके इधर चाय बन रही है हमारी, और इधर देखिए भाई चाय को कुछ इस तरह से निकाला जाता है हमारे यहाँ पे। तो चाय उबल चुकी है और आग रात को भाई बंद हो गई थी, तो 3 बजे एक बार उठ करके मैंने आग जलाई। ये तो भाई बहुत ठंडा हो रहा था रात को। ये दो स्लीपिंग में सोए थे इधर और इधर वाले, अभी देख सकते हैं। और हम लोग भाई कंबल ओढ़ के सोए थे बीच में, दो लोग कुंदन भाई और मैं। तो रात को भाई ठंड भी हुआ, थोड़ा सा नींद भी टूटी रात को बीच में, और फिर आग भी जलाई। ऐसे होता भाई पहाड़ों में, पहाड़ी लाइफ स्टाइल, क्योंकि भाई कल बारिश लग गई थी तगड़ी वाली, तो फिर हमको फिर यहीं पे रुकना पड़ा। फिर बहुत दिक्कत हो गई थी बारिश के कारण, तो बहुत फटी थी शाम के वक्त में। तो यहाँ आके थोड़ा सुकून मिल गया था आग वगैरह जला करके। तो ऐसे होता है भाई गुफाओं में, हम लोग भाई कभी कभी रात काटते हैं, और जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ भी भाई हम लोग गुफाओं में अपना टेंट लगाते हैं। तो बाकी इनको अभी चाय पिलाता हूँ, और यहाँ पे हालत देखिए भाई, पावर बैंक हो या फिर कुछ भी हो, ये सारे रात को भूस हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी सामान पैक करते हैं और हम लोग आगे को बढ़ते हैं सामान पैक करके। ऐसे हम लोग भाई पहले दो दो रोटियां खा के जा रहे हैं, थोड़ा सा चला नहीं जाता है ना, दूर का चल रहा है। ये देखिए चाय डाल रहा है तेजू भाई, हमारा चाय डालता हुआ गिलास में लाल पानी पिया जा रहा है यार, और डिस्पोजल वगैरह तो रहते हैं हमारे साथ। जगह भाई स्टील में चाय पिएगा, जगह भाई स्टील के गिलास में पी रहा है यहाँ देखो ये, और तुम डिस्पोजल में लाओ यार। एक एक रोटी, एक ही नहीं दो दो रोटी पकड़ो भैया, एक एक क्यों पकड़ ले यार, दो दो तो खाना ही पड़ता यार। अच्छा बाकी ये पैकिंग पुकिंग हमारी हो चुकी है, इधर कुछ सामान मैंने पैक करना है, अब हम भी पैक करते फटाफट फिर चलते हैं। सब्जी घर से ही लाए थे, रोटियां भी घर से ही लाए थे, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रोटियां लाते हैं, और हमको याद रहता भाई रास्ते में मौसम ख़राब भी हो सकता है, आधे रास्ते में रुकना पड़ सकता है, तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन अभी सुबह सुबह रोटी डालता है यहाँ पे, तो इसलिए अभी खाओ और निकलो। तो गाइस हम लोग अभी रास्ता लग चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह पी रहे थे, थोड़ा सा डेरे से नज़दीक हमारा ये गदेरा मिला कल रात को पानी के लिए, पानी के लिए। धीरे धीरे अभी मिरुक चाणी धार में पहुंच चुके हैं, मिरुक देखने वाली धार इसलिए बोलते हैं यहाँ पे। तो जब शाम के वक्त जब दिखते हैं यार सोबन भाई ने, जब शाम के वक्त हम लोग आते हैं ना यहाँ पे, अभी तो दिखेंगे नहीं, सुबह सुबह सोए रहते हैं जानवर वगैरह, तो इधर भाई बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो यहीं से भाई उनके बच्चे वगैरह सब यहाँ घास वगैरह चरते हैं, तो शाम को बहुत दिखाई देते हैं। अभी तो अभी दिखेगा तो जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग भी क्या पता दिख जाए यहाँ से। ये तो दोस्तों बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग अभी मूल गैर में पहुंच चुके हैं, सामने आप लोग देख सकते हैं भाई मूल गैर, और ये भाई सेंटर पॉइंट है बितलग्वार का, और जहाँ पे हम लोग सारे लोग भाई बितलग्वार हो, भंडरा पाखा हो या होगा पाक हो, तीनों जगहों के लोग यहीं से भाई अपने अपने रास्तों के लिए जाते हैं। तो सामने जो दिख रहा है भाई बितलग्वार वाला इलाका आपको दिखने को मिल रहा है, तो देख सकते हो भाई इधर बलाण का बुग्याल है इधर के ऊपर साइड को, जो हमारा बगल पड़ोसी बलाण गाँव है, और गेज और हिमनी का बुग्याल भाई इधर और इधर ऊपर को है। तो हम लोग भाई कल ये इस रास्ते से आए हैं, इन गदेरों से होते हुए भाई यहाँ से यहाँ पहुँच गए लौटे मोटे। तो देखिए भाई क्या नज़ारा है मूल गैर का, तो यहाँ पे सारे भाई लोग बैठे हैं टारगेट पे पहुँचने वाले हैं भाई लोग, मिशन सक्सेसफुल है, कैसा लग रहा फाइनली यहाँ आकर के, जन्नत भाई सुकून नज़ारा दिखाना हिमालय क्या मज़ा आ गया भाई त्रिशूली के नीचे। ये हमारा त्रिशूली भाई, हमारा त्रिशूली इधर से ऐसा दिखता है, उधर साइड से वो ऐसा दिखता है जो आप लोग देखते रहते हैं। तो इधर इसके जस्ट पीछे जोशीमठ पड़ता है, तो ये इलाका पड़ता भाई केड़ा जड़ी वाला। तो बाकी कैसा लगा आप लोगों को धार से, वो देख डॉन कहाँ रह गया हमारा, इस वाले धार से हम लोग आए हैं भाई साहब, बहुत फटी पड़ी हमारे यहाँ। तो नज़ारा देखिए भाई क्या मस्त है, तो दिखाते तिब्बत इधर साइड को है, जोशीमठ इधर को है,
इधर वाण का नोल का भी बलान का भी बुग्याल इधर को है उधर साइड को बस। तो बहुत खतरनाक नजारा है यहाँ पे। तो एक डायमंड का इसको एक हीरा मिल गया बोले यहाँ पे हीरा ही लग रहा है हीरा ही होगा शायद। इसको लैब टेस्ट कराएंगे तब दिखाएंगे क्या चीज है क्या चीज है करके। पहले ये पूरा वार पार दिख रहा है इससे। बाकी मेरे को पानी पिला दो यार सोन भाई को पानी पिला। थकान लग गई भाई। ये चढ़ाई वाला रास्ता है इधर से तो चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे बुरास देखे भाई पूरा जंगल। रुक जाओ भाई कुछ लोग आगे जा रहे हैं। लोटो मोटो को आगे कुछ लोग दिख रहे हैं ये। चाय बनाओ चाय चाय। तो अभी चिल्ला रहे हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ अभी इस घास को देखो आपने देखा होगा जिस दिन यहाँ से हम एक महीने बाद आते हैं ना तो ये हमसे बड़ा मतलब यहाँ से रास्ता ही नहीं दिखता है। घर जाने के दिन 10 फुट हो जाता है बोल 10 फुट के आसपास पास सब। ये वाला घास होता है सबसे बड़ा ये इसके अंदर से घुस के जाना पड़ता है भाई घुस के भाई। तो ये इलाका है भाई मूल घर का इलाका। दोस्तों हम लोग अभी भौरी डांग में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टे वगैरह करने का रहने का भी है रात को इसके उधर साइड को। अभी यहाँ पे देखिए भाई मैं बर्फ़ के अंदर चलूँगा और यहाँ पे भाई पहली बार बर्फ़ दिख गई यहाँ पे। क्यों जाविर भाई पहली बार बर्फ़ दिख गई सब ऊपर से आया हुआ है भाई। ये ऊपर से ग्लेशियर आया ना पूरा। तो ऐसे ग्लेशियर होते हैं गाइस यहाँ पे ना ऊपर पहाड़ से भाई जितना बर्फ़ इकट्ठा हो गए ऐसे नीचे आ गया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा घास अभी आ रखी है। तो ये देखिए ये बर्फ़ ये होते हैं भाई बर्फ़ मज़ा आ गया। तो कुछ इस तरह का ग्लेशियर होता है जो बाद में पिघलता है और पिघल करके पानी हमारे शहरों तक पहुंचता है। तो इन ग्लेशियरों से पानी निकलता भाई देखिए मज़ा आ गया। आज कुछ एक्सट्रीम लेवल का देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। तो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चा चलिए। तो गाइस इस वाले गधेरे से भाई कितने दूर लग रहा है अभी यहाँ से इस रास्ते हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। 3 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए हैं। लोने मोटे बिल्कुल थक गए हैं हालत ख़राब हो गई है। बाकी कुछ इन इस प्रकार से भाई यहाँ पे डेरे होते हैं। ये सबसे नीचे वाले डेरे हैं ना सबसे नीचे वाले डेरे में हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हमने वाले टॉप में जाना है। हाँ हमने इस वाले टॉप में जाना है अभी। तो यहाँ से आप केड़ा जड़ी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी मिल जाए तो आपको दिखाऊंगा यार अभी। तो बाकी ये डेरे हैं भाई लोगों के और ये पता नहीं भालू ने कर दिए या पिछले साल कोई लोग आए थे इन्होंने इनकी हालत ख़त्म कर दी है। प्रेशर फेंक रखा नीचे इसको गिलास प्रेशर भाई ये फोड़ दे गए। इसको बर्फ़ देता हूँ यार मैं। चलो प्रेशर तो हम लोग संभाल देते हैं। पता नहीं यार किसने क्या लगा होगा। बाकी यहाँ पे डेरों की हालत भी ख़त्म करके पता नहीं लोगों ने कर रखा या फिर भालू गिरा ने कर रखा है। बाकी अभी कीड़ा जड़ी मिलती है तो आपको दिखाता हूँ सीधे सीधे। बाकी तो बाकी अभी इनको अभी तुम्हें बहुत नहीं खरवा के दिखाता हूँ यार सोन भाई मेरे को। अभी थक गए ना थोड़ा बहुत गंदी आ थोड़ा थकान मिटा लो। पानी है तो पानी दे दो। पानी गधेरा है यार जाना पड़ेगा रुक दो। ये इलाका भाई हमारा। तो गाइस इस गांव की भाई सबसे पहली कीड़ी हमारे तेजू भाई को मिल चुकी है। बधाई हो भाई सबसे पहले बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। तो देख सकते हो गाइस आप भी ये होती है भाई कीड़ा जड़ी। ये होती है कीड़ा जड़ी। ये देखे इतनी छोटे आर्क है अभी दिख भी नहीं रही है तो इतना मोह आर्क है। तो मज़ा आ गया सारे लोटे फोटे देख रहे हैं। तो निकाले तेजू भाई इसको निकालो। हम्म।
दिख रही भाई? नहीं नहीं भाई जी, बस लगाए हूँ मैं। नहीं मिल जाए यार। मैं भी देख रहा हूँ यार, कैमरा लेके देख रहा हूँ। मैं कैमरा लेके देख रहा हूँ गाइस, कहीं दिख जाए कैमरे में ही दिख जाए, कैमरे में जूम करो ना, जूम करके दिख जाए। हाँ कैमरे को जूम करके देखो नीचे। तो गाइस एक ही बंदे को कीड़ी मिली और हम लोग अभी नील पे हैं और हम लोगों ने भाई ऊपर जाना है, तो अब इस ग्लेशियर को पार करते हुए निकल रहे हैं भाई ऊपर को डेरे में। ये ऊपर ग्लेशियर देखिए भाई, ये पूरा इलाका, इधर भी ग्लेशियर और ये ग्लेशियर। इसमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, अगर फिसल गए तो इसमें रुकना बहुत मुश्किल होता भाई। तो आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए भाई, आजा भाई आजा, थक गया क्या? और ऊपर देखिए भाई क्या व्यूज़ है, क्या नज़ारा है। और यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा यार, यहाँ पे भाई नीचे वाले जूते नहीं चलते हैं, मतलब एक्शन के जूते हो या फिर उल्डेन वगैरह, यहाँ पे भाई गांव के प्लास्टिक के जूते चलते हैं इस वाली बर्फ में, नहीं तो भाई फिसल जाते हैं जो कपड़े के जूते होते हैं। तो भाई जी तो हमारे थक गए हैं, तो हम भी थक गए यार, अभी डेरे में चलते हैं चाय वगैरह बनाते हैं। गाइस हम लोग अभी डेरे में पहुंच चुके हैं, ये भाई हमारा डेरा है आज रात के लिए। बर्फ भी है, थोड़ा इसके अंदर बर्फ भी है, अब इसमें पन्नी डालनी है अभी, और आज रात भाई यहीं पे सोना है, चारों ने यहीं पे सोना है। थोड़ा सा लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, चलो लकड़ियाँ तो हैं यार। अरे तो यहाँ पे दो डेरे हैं, मतलब है। ये मतलब ये तेजू लोगों का डेरा है, मेरा डेरा तो कल जाएंगे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर उधर को है घर की तरफ को। मैं थोड़ा सा आज घूमते इस साइड से आया हूँ, तो बाकी देखते हैं यार आज रात कैसे होता है यहाँ पे। बाकी यार सबसे पहले तो आराम करते हैं, 10 मिनट आराम करते हैं सबसे पहले। अच्छा दूसरा डेरा है गोपाल मामा लोगों का, दो डेरे हैं गाइस देख सकते हैं आप लोग, एक ये। सबसे पहले हम लोग भाई डेरे की साफ सफाई करने लग गए हैं यहाँ आते ही। ये खिलाफ सिंह बूबू जी का डेरा, यहाँ पे पहले बर्फ हटा रहे हैं, सबसे पहले बर्फ हट जाए फिर उसके बाद इसके अंदर सामान भी रखा है, फिर यहाँ पे रहने का बनाएंगे, ऊपर से पन्नी वगैरह डाल देंगे इसके ऊपर से। बाकी कुछ ऐसे वडियारों में हम लोग रहते हैं भाई, गुफाओं में, छोटे छोटे गुफाओं में। तो देखिए भाई कुछ इस तरह से इन गुफाओं में रहते हैं, ये टेंट लगाने के लिए वो बना रखा है पहले से, और भाड़ बोलते हैं हमको अपनी इसकी अपनी भाषा में इसको भाड़ बोलते हैं, भाड़ बना रखा है। अब इसके ऊपर से हम लोगों ने क्या बोलते हैं पन्नी डालनी है और पहले सफाई करनी है, फिर जलाएंगे आग वगैरह। हम लोग आजकल भाई डेरे बनाने के लिए आ रखे हैं, उसके बाद आएंगे कीड़ी वगैरह देखेंगे, आजकल सामान भी आ गया और डेरे भी बना लिया, दोनों काम हो गए हमारे। तो ये सीन है भाई यहाँ पे देखिए भाई। तो दोस्तों हमारा डेरा यहाँ पे आज रात के लिए तैयार हो गया है, ये खिलाफ सिंह दानू जी का और ये तेजी लोगों का डेरा बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर 1 महीने रहेंगे, देख सकते हो आप लोग। अब इसके अंदर बिछौना मैट्रेस वगैरह बिछाई जाएगा यहाँ पे आग जलाने के लिए, और मस्त हो गया भाई सोने के लिए भी इधर। ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोग भाई डेरा वगैरह बनाते हैं, और ये देखिए, और ये एक ऊपर से गुफा होती है, गुफा आधा गुफा के अंदर छुपा रहता है और आधा टेंट फ्री रहता है। तो गाइस हम लोग डेरे के अंदर अभी बैठ चुके हैं, और यहाँ आते ही भाई मैगी वगैरह बन रही है हमारी, सबसे पहले देख सकते हैं ये देखिए भाई, चार लोगों के लिए मैगी तैयार करके, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो आज रात हम लोग यहीं पे खाएंगे और आज रात को यहीं पे काटेंगे, फिर कल मैं अपने डेरे में जाऊँगा डेरे को बनाने के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे रखता हूँ, मैगी के साथ एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। तो मिलते हैं गाइस ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।